अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 4.1 एक्सरसाइज करनी है और इस एक्सरसाइज में जो दो तीन टॉपिक्स हमने आज डिस्कस करने हैं वो हैं पॉलीनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड रैशनल एक्सप्रेशंस। तो हमने एक्सरसाइज नंबर 4.1 करनी है और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सेकेंड क्वेश्चन भी जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप की है। लेकिन हमारा मेन मकसद जो है वो इन क्वेश्चन को येस और नो लिखना नहीं है, बल्कि हमने ये टर्म्स सीखनी है, पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लिखेंगे उसमें एक और टर्म हमारे सामने आएगी जिसको हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। तो हमने ये देखना है कि रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल्स, यस आर नो। हमें इनको आइडेंटिफाई करना है। अब देखें कि ऐसे एक्सप्रेशंस जिनमें नंबर्स भी होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं, ठीक है, एक्स यहाँ पे वेरिएबल है और इसके अलावा उसमें ऑपरेशंस भी होते हैं, ये प्लस का ऑपरेशन है, ये माइनस का ऑपरेशन है, साइंस हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। एन एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स नंबर्स, ये देखें ये 3 नंबर है, यहाँ पर 5, ये भी एक नंबर है। ऑपरेशंस प्लस माइनस, ये जो निशान साइंस हैं ये ऑपरेशंस कहलाते हैं। एंड वन आर मोर वेरिएबल्स, और उसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो सकते हैं, यहाँ पर एक्स एक वेरिएबल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होंगे जिसमें एक्स और वाई भी एक उसके साथ आ जाएगा वेरिएबल के तौर पर, एक्स वाई एंड जेड 3 आ सकते हैं या इससे भी ज्यादा वेरिएबल्स आ सकते हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप देखें कि ये लिखा हुआ 3x², इसके बाद लिखा हुआ प्लस, जब भी प्लस या माइनस का निशान आता है वहां से एक नई टर्म शुरू हो जाती है, ठीक है। टर्म क्या होती है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब प्लस या माइनस का साइन आता है तो वहां से एक नई टर्म शुरू हो जाती है। यानी आप अगर इसमें देखें तो 3x² एक टर्म है, 1x ये दूसरी टर्म है, ये 5 तीसरी टर्म है, इसमें 3 टर्म्स हैं। इसमें आप देखें 1, 2, 3 एंड 4, इसमें 4 टर्म्स हैं। तो इसको हम टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। टर्म्स क्या होती हैं, साइंस यहाँ पर प्लस या माइनस का निशान आता है, ठीक है, ध्यान में आपने रखना है, एडिशन का साइन या सब्ट्रैक्शन का साइन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का साइन जो है वो नया वहां से टर्म नई शुरू नहीं होती, बल्कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से नई टर्म शुरू हो जाती है। तो कोई आपसे पूछे कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, तो इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 4 टर्म्स हैं, इसमें 1, 2 एंड 3 टर्म्स हैं, इसमें 1 एंड 2, इसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं। टर्म के ऊपर जो पावर होती है उसको हम उस टर्म की डिग्री कहते हैं, ठीक है। 3x² है, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है, इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है। जो टर्म के ऊपर पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। ये जो वेरिएबल के साथ शुरू में नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है इसको हम कोफिशियंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 कोफिशियंट है, यहाँ पर 3 कोफिशियंट है, यहाँ पर -4 कोफिशियंट है, तो वो जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है उसको हम कोफिशियंट कहते हैं। इसी तरीके से जो एक्स वाई एंड जी यूज होते हैं जिनकी हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्स की वैल्यू 3 आएगी, किसी में 5 आ जाएगी, किसी में 100 आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू चूंकि चेंज होती रहती है इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। एक्स वाई एंड जेड ज्यादातर यूज होते हैं एज अ वेरिएबल, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। जबकि वो टर्म जिसमें कोई वेरिएबल्स उसके साथ नहीं होता उसको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। यहाँ पर -5 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर 3 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर 8 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर √2 जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट क्या होता है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो टर्म जो जिसमें वेरिएबल नहीं होता, ठीक है, एक होल नंबर दिया हुआ होता है, कोई वेरिएबल नहीं होता, एक रियल नंबर होता है सिर्फ, तो उसको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। ऑपरेशन के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। तो अब आप देखें कि क्वेश्चन ये था कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलीनोमियल, यस आर नो, ठीक है, ये पॉलीनोमियल्स हैं या नहीं है। अब हमें ये देखना है कि पॉलीनोमियल्स क्या होती हैं।
पॉलिनोमियल्स ऐसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर्स होल नंबर्स में हो। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? 0, +1, +2, +3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर होता है ना, तो वेरिएबल की पावर होल नंबर में होनी चाहिए। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर्स में हो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। पहला आप देखें पॉलिनोमियल है नो, आप इसके सामने नो लिख देंगे, इसने लिखा है यस या नो लिखें तो मैंने क्रॉस डाल दिया, आप नो लिख दें। क्यों? इसलिए कि यहां पर वेरिएबल की पावर -1 है, 1/x है, तो जब एक्स नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसको आप नोमिनेटर की सूरत में लिखेंगे तो उसकी पावर -1 हो जाएगी, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहां पर देखें आप इसमें क्या ये एक पॉलिनोमियल है। यहां पर देखें इधर चूंकि एक्स की पावर होल नंबर में नहीं है, यहां पर आप स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो एक्स की पावर 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेशन जो है वो यही सही है इसकी कि जिसमें वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में हो तो उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है इसलिए कि यहां पर एक्स की पावर जो है वो होल नंबर में नहीं है, यानी 0, 1, 2, 3 इसमें से कोई पावर नहीं है, बल्कि आप स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो उसकी पावर 1/2 आ जाती है। इसको आप चेक करें, यहां पर वेरिएबल्स की पावर होल नंबर में है तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्लियर, एक्स की पावर 2 है, यहां पर एक्स पावर 1 है, यहां पर एक्स की पावर 0 है, जब एक्स साथ नहीं होता, वेरिएबल नहीं होता, तो उसकी पावर 0 कंसीडर की जाती है। हम पहले पढ़ चुके हैं ना कि जब किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है। यहां पर आप देखें ये एक पॉलिनोमियल नहीं है इसलिए कि यहां पर एक्स की पावर तो 1 है, लेकिन ये जो नीचे एक्स लिखा हुआ है इसकी पावर जब इसके ऊपर अगर ले जाए तो इसकी पावर -1 हो जाती है, लिहाजा ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। पॉलिनोमियल्स के हवाले से थोड़ा सा आप ये ध्यान में रख लें कि पॉलिनोमियल्स में ऐसे पॉलिनोमियल भी होते हैं जिनकी सिर्फ एक टर्म होती है। ठीक है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसको हम मोनोमियल कहते हैं, जिसकी सिर्फ एक टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। क्योंकि ये पॉलिनोमियल की एक टाइप है तो बाज़ लोग कहते हैं कि ये मोनोमियल होता है, पॉलिनोमियल नहीं होता, क्योंकि पॉली का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है, मैनी इसका मतलब होता है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो पॉलिनोमियल है वो मोनोमियल और उसके बाद बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये इसकी टाइप्स हैं चूंकि, इसलिए ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। लेकिन आगे इसकी कौन सी टाइप है तो उसमें हम लिखेंगे ये मोनोमियल है। और अगर उसकी दो टर्म्स हो, 3x+5 लिखा हो, आप देखें इसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है, ये मोनोमियल मोनो से निकला हुआ ना, मोनो वन को कहते हैं। तो ये आप देखें ये क्या है, बाइनोमियल है, बाय दो को कहते हैं, ठीक है, यूज फॉर टू, बाइनोमियल, ये एक बाइनोमियल है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर तीन टर्म्स हो, 3x² + 5x + 7, इसमें देखें तीन टर्म्स हैं, लिहाजा ये एक ट्राइनोमियल है। तो ये टाइप्स हैं पॉलिनोमियल्स की, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी एक टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी दो टर्म्स हो उसको बाइनोमियल कहते हैं, और ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मोर देन टू, सॉरी, जिसकी थ्री टर्म्स हो उसे हम ट्राइनोमियल कहते हैं, और इससे ज्यादा टर्म्स हो तो उनको हम सिंपल पॉलिनोमियल ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन आर नॉट। हमने ये समझना है कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, और फिर हमने इनमें से बताना है कि कौन कौन से रैशनल एक्सप्रेशन हैं और कौन कौन से रैशनल एक्सप्रेशन नहीं हैं। चार एक्सप्रेशन हमें दिए हुए हैं, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये है, सेकेंड है, थर्ड है, और फोर्थ मैंने इधर लिख दिया है। रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है? ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपने इसको समझना है, उसके बाद फिर हमने बताना है कि इसमें कौन कौन से रैशनल एक्सप्रेशन हैं और कौन से नहीं हैं। ऐसा एक्सप्रेशन
जिसमें नोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल हो। दोनों को आप सेपरेटली चेक करेंगे कि जो नोमिनेटर लिखा हुआ है क्या वो पॉलिनोमियल है, और जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है क्या वो भी पॉलिनोमियल है। तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें नोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल हो, उसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच नोमिनेटर इज अ पॉलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर इज आल्सो अ पॉलिनोमियल, दैट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। और यू कैन से एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच बोथ द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर्स आर पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड अ रैशनल एक्सप्रेशन। अब हम चेक करते हैं कि गिवन एक्सप्रेशंस में कौन कौन से रैशनल हैं और कौन से रैशनल एक्सप्रेशंस नहीं हैं। लेट मी चेक, पहले आप इसको चेक करें। इसमें आप देखें कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए कि x की पावर यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, x की पावर एक होल नंबर में नहीं है, लिहाजा दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ रैशनल एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। सेकंड पे आ जाए यहाँ पर, इसमें आप देखें कि यहाँ पर जो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 है, ये एक पॉलिनोमियल है, जबकि नीचे आप देखें तो 2 प्लस 3x माइनस x ये भी एक पॉलिनोमियल है, सॉरी ये x स्क्वायर है, x कह रही है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, नोमिनेटर इज अ पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर इज आल्सो पॉलिनोमियल, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज अ रैशनल एक्सप्रेशन। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज अ पॉलिनोमियल, यस, x square minus 9 is also a polynomial, therefore this expression is also a rational expression. Number 3. Number 4, this is not a polynomial, this is not a polynomial, so this expression is not a rational expression. Is this clear? Question number 2 tha, state whether each of the following expressions is a rational expression or not. तो हमने देखा कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स हों, उसे हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हमने इसमें चेक किया कि 1 और 4 रैशनल एक्सप्रेशंस नहीं हैं, जबकि 2 और 3 जो हैं वो रैशनल एक्सप्रेशंस हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो 4 क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो उसमें दोनों हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन बहुत सारी मालूमात हमने इसमें हासिल की हैं, और उनको याद रखना जो है वो हमारे लिए बहुत मुफीद है, इसलिए कि वो आगे बार बार यूज़ हो रही होंगी। रैशनल एक्सप्रेशन का नाम यूज़ होगा, पॉलिनोमियल का नाम यूज़ होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम यूज़ होगा, डिग्री का नाम इस्तेमाल होगा बार बार, और इसी तरीके से मजीद इसमें जो चीज़ें आती हैं, कोफिशेंट क्या होता है, टर्म्स हैं, वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, ये तमाम चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी थी जो आपने इसमें सीखी और समझी कि व्हाट आर टर्म्स, व्हाट आर कोफिशेंट्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स, व्हाट आर ऑपरेशंस, व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड व्हाट आर द रैशनल एक्सप्रेशंस। ये आज का हमारा लेक्चर था, आई होप कि आपके लिए बहुत मुफीद होगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।